प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आज हम इस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। लेक्चर नंबर सेकंड, यूनिट फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जो टॉपिक कवर करेंगे आज हम इस लेक्चर में वो कौन से होंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं चार्ज की। ओके, और एक टॉपिक हम कौन सा लेंगे, कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास, कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंसेस रहते हैं। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक पे लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, की इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। कल हमने जो लेक्चर में स्टडी किया था कि चार्ज क्या होता है, आज हम चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि चार्ज के पास क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। जो चार्ज की हम पहली प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे वो क्या रहेगी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि चार्ज। देखिए ये प्रॉपर्टीज क्या कहती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसके अनुसार कि जो बॉडी पे जो चार्ज रहेगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। देखिए क्या कहती है ये स्टेटमेंट, इट स्टेट दैट आप लोग भी लिख लीजिए, इट स्टेट दैट चार्ज ऑन अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ऑन अ इलेक्ट्रॉन। ओके, आइए इसे समझते हैं आखिर ये क्या कहना चाहता है। मुझे आप एक बात बताइए, कोई भी बॉडी चार्ज कब होगी, बताइए कब होगी, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। कोई भी बॉडी चार्ज क्यों होती है, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, देखिए चार्ज को जो हम डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। ओके, क्यू स्टैंड फॉर चार्ज। ओके, तो किसी भी बॉडी पे चार्ज क्यों आता है, सिंपल आंसर, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि उस बॉडी पे या तो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, है ना। हम पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, यानी कि हम कह सकते हैं क्यू इज इक्वल टू, चार्ज कब पैदा होगा, जब उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आएगा, या तो इलेक्ट्रॉन आएगा या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। ओके, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उस बॉडी पर, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, थ्री इलेक्ट्रॉन, फोर इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन। देखिए मान लीजिए एक बॉडी है, ओके, अनचार्ज बॉडी, इस बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या बोलेंगे, ये बॉडी चार्ज हो गई। तो मैंने पूछा इस बॉडी पे कितना चार्ज है, तो आप बोलोगे सिंपल वन इलेक्ट्रॉन के बराबर, वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ओके, तो आप क्या बोलोगे, इस बॉडी पे चार्ज आ गया, कितना, आप कहोगे वन इलेक्ट्रॉन, तो सिंपल आप क्या आंसर दे दोगे, भाई वन इलेक्ट्रॉन के चार्ज, जो कि कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। मैंने क्या कहा आपको, कि इस बॉडी पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, तो मैंने आपसे पूछा अब कितना चार्ज आ गया, आप बोलोगे दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, कितना होगा दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, 1.6, यानी कि कितना हो जाएगा, 1.6, 1.6, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ओके, मैंने कहा इस बॉडी पे मैंने एक चार्ज और दे दिया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया,
तो मैंने पूछा अब कितना रहेगा इस पे चार्ज, आप बोलोगे 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर कितना होगा, बोलिए माइनस का 4.8 इंटू 10^-19। तो अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं, ये बॉडी चार्ज हो रही है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल है, 1, 2, 3। यानी कि बॉडी पे जो चार्ज आ रहा है वो चार्ज कैसे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ रही है, 1, 2, 3, 4। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, क्यू इज इक्वल टू एन ई, और यहां पर एन की वैल्यू क्या रहेगी, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू। यहां पर एन आपका क्या रहेगा, मस्ट बी अ इंटीजर। दिस इज द क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज, मतलब किसी बॉडी पे जो चार्ज पैदा हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के इंटीगर मल्टीपल है। कि उस बॉडी पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, मैंने बोला 3.5 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, लेकिन पॉइंट्स में नहीं आएंगे। दिस इज द स्टेटमेंट जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कह रहा है। ओके, तो किसी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो 1-1.6 के मल्टीपल होगा। 1.6 का सेकंड क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2। मैंने बोला एक बॉडी है उस पे चार्ज आ गया, मान लीजिए माइनस का 3.4 × 10^-19। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वो 1.6 के मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल यानी कि माइनस का 1.6 1, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, 3.2। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4.8। यानी कि 1.6 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 3.2, लेकिन यहां पर क्या है, 3.4, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये स्टेटमेंट कह रही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। व्हाट इज एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इट स्टेट दैट चार्ज ऑन एन बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ियों से, तो मैं पहली सीढ़ी पे पैर रखूंगा, फिर उसके बाद दूसरी सीढ़ी पे, फिर तीसरी सीढ़ी पे। ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने दूसरे के बाद 2.5 सीढ़ी पे रखा या 2.4 सीढ़ी पे रखा या 2.8, नहीं, सेकंड सीढ़ी के बाद थर्ड सीढ़ी पे, थर्ड सीढ़ी के बाद फोर्थ सीढ़ी पे। तो यहां पर क्या चल रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल चल रहा है, 1, 2, 3, 4। सेम सेंस में जो बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर होता है कितना रहता है, वो इलेक्ट्रॉन के वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल रहता है, 1, 2, 3। ओके, यहां से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, आपको ध्यान रखना है, आप ये नोट कर लीजिए। ओके, आइए हम सेकंड प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं, क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सेकंड प्रॉपर्टीज लेते हैं हम, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टीज, अगर कोई सिस्टम पे नंबर ऑफ चार्जेस हैं, मान लीजिए आपकी ये बॉडी है, ओके, सबसे पहले हमने इस पे चार्ज दे दिया, मान लीजिए +5 +5 क्यू, ओके, फिर मैंने इसको चार्ज दिया +2 क्यू, ओके, फिर मैंने इसको चार्ज दिया -3 क्यू। तो मैंने बोला इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है,
अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी के अनुसार सिंपली आप इसको मैथमेटिकली एलजेब्रा के अनुसार ऐड कर दो, बस सिंपली आप क्या कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए। 5 और 2 7, 7 में से 3 गए, बोलिए 4। तो आपको यहां क्या बच जाएगा, सिंपली प्लस का 4 किया। ओके, दिस इज द एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सिंपली आपको चार्जेस को ऐड करना है और कुछ नहीं करना। ओके, दिस इज द एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखिए ये क्या कहती है, इट स्टेट दैट टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज कैलकुलेटेड बाय सिंपली एडिंग एलजेब्रिकली ऑल द चार्जेस प्रेजेंट ऑन डेड बॉडी। ओके, देख लीजिए आप लोग भी, यानी कि इस प्रॉपर्टी के अनुसार किसी भी बॉडी पे अगर हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो सिंपली जितने भी चार्जेस हैं आप उनको जोड़ दीजिए। जैसे कि यहां पर था, यहां पर चार्ज था पहले प्लस 5 क्यू, फिर क्या था प्लस का 2 क्यू, फिर क्या था माइनस का 3 क्यू। 5 और 2 7, 7 से 3 गया 4, तो प्लस का 4 क्यू, इस पर क्या आता है चार्ज आता। ओके, सिंपल। और चार्ज है कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, नोट कर लीजिए, यानी कि इनकी कोई डायरेक्शन नहीं रहती चार्जेस की, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड रहता है। ओके, जस्ट सिंपल प्रॉपर्टीज। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टीज हम कौन सी लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देखिए इस प्रॉपर्टी के अनुसार जो टोटल चार्ज रहता है सिस्टम पे वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब चार्जेस इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी आर डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट कन्वर्टेड, इट जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ मासेस के केस में जो हमने स्टडी किया था। वैसे ही हर बॉडी पे, एवरी बॉडी पे चार्ज हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। ओके, ना ही हम चार्जेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम चार्जेस को क्रिएट कर सकते हैं, हम सिर्फ चार्जेस को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आइए देखते हैं, इट स्टेट दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ओके, चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी आर डिस्ट्रॉयड,
ओके, ना ही हम चार्ज को पैदा कर रहे हैं ना ही हम उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कि जैसे मान लीजिए दो बॉडी हैं, हमने उनको रफ किया तो हमने बोला इन दोनों बॉडीज पे चार्ज पैदा हो गया। तो चार्ज कहां से पैदा हुआ? अगर इस बॉडी पे चार्ज इसने गेन किया तो इस बॉडी ने चार्ज क्या किया? लूज किया। अगर एक पे पॉजिटिव आया एक पे नेगेटिव आया तो ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा। ओके, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, ना ही हम चार्ज को पैदा कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं इसके, यूरेनियम का लेते हैं। यूरेनियम 92-238 यूरेनियम रेडियो एक्टिव मेटीरियल, ये अपने आप डिके होना स्टार्ट हो जाता है, डिसइंटीग्रेट होना। ओके, इसका चार्ज कितना है? 92 और इसका मास कितना है? 238। तो हम क्या देखते हैं, जब ये यूरेनियम डिके होना स्टार्ट होता है यानी कि अपने आप टूटना शुरू हो जाता है, डिसइंटीग्रेट होना शुरू होता है, तो हमें जो पार्टिकल्स मिलते हैं यूरेनियम से वो कौन से मिलते हैं? एक हमें मिला है थोरियम 90-234 और कुछ हीलियम गैस के पार्टिकल्स हमें मिलते हैं 2 और 4। ओके, ये एक न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम यहां क्या देख रहे हैं, यूरेनियम 92 किस में टूट गया? थोरियम प्लस हीलियम। यहां पर हम जो चार्ज देख रहे हैं वो चार्ज कितना है? 92। और यहां पर जो चार्ज है वो कितना है? 90+2 कितना हो गया? 92। और यहां भी कितना था? 92। तो यहां पर क्या हुआ, चार्ज क्या है? कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है, ना ही हमने यहां चार्ज को क्रिएट किया ना ही डिस्ट्रॉय किया, जस्ट चार्ज को हमने क्या किया? ट्रांसफर कर दिया। यूरेनियम 92 जिसका न्यूक्लियस में टोटल चार्ज कितना है? 92। जब ये डिसइंटीग्रेट हुआ टूटा किस में? थोरियम प्लस हीलियम में। तो हमने जब टोटल चार्ज देखा तो दोनों पे कितना था? 92। बिफोर डिसइंटीग्रेट पहले कितना था? 92। तो यहां पर क्या है, चार्ज क्या हो रहा है? कंजर्व्ड है। This is called conservation of charge. Okay? हम एक example और लेते हैं। अगर मैं एक पॉजिट्रॉन लेता हूं और एक इलेक्ट्रॉन लेता हूं, this is electron, this is पॉजिट्रॉन, तो हमें क्या मिलता है? गामा पार्टिकल्स मिलते हैं। ओके, कुछ गामा के मिलते हैं। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं, यहां पर एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों आते हैं, दोनों का कोलिजन हुआ। ओके, तो हमें क्या मिले? गामा पार्टिकल। यहां पर चार्ज क्या है पॉजिट्रॉन का? प्लस। यहां पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव। ओवरऑल चार्ज 0, नेट चार्ज। यहां भी गामा के ऊपर कितना चार्जेस होता है? 0। तो चार्जेस क्या है इस केस में? कंजर्व्ड है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ओके, इसके लिए हम एक नेम लेते हैं, एनालेशन ऑफ चार्ज, AMM, एनालेशन ऑफ, हमने इसका एक नेम दे दिया एनहेलेशन ऑफ चार्ज। जैसे हम कुछ खाते हैं इनहेल करते हैं, वैसे ही ये एक दूसरे को खा गए, इनहेल कर गए। ओके, तो हमें गामा पार्टिकल्स। एक एग्जांपल और लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस का लेते हैं। गामा गिव 1 पॉजिट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। प्रोडक्शन ऑफ या पेयर प्रोडक्शन आप लिख दीजिए इसका। हम
हम यहां क्या देख रहे हैं, हम गामा पार्टिकल्स चार्ज जीरो, हेयर चार्ज प्लस, हेयर चार्ज एक्टिव, नेट चार्ज जीरो, चार्जेस इज कंजर्व अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ओके, किसमें देखा, पेयर प्रोडक्शन। ये पेयर प्रोडक्शन क्या है, देखिए हम जानते हैं वी कैन कन्वर्ट एनर्जी इनटू अ मास और मास इज कन्वर्टेड इनटू अ एनर्जी इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर वी कैन कन्वर्ट एनर्जी इनटू अ मास और अ मास इज कन्वर्टेड इनटू अ एनर्जी। तो हमने यहां पर क्या देखा, जब हम जो एनर्जी है गामा पार्टिकल की फॉर्म में हमने जब मटेरियल को दी, किसी मटेरियल को हमने गामा पार्टिकल दिए, तो हम क्या देख रहे हैं वो गामा पार्टिकल से वो खत्म हो गए, वो एनर्जी खत्म हो गई। लेकिन वो एनर्जी कहां गई, किसमें कन्वर्ट होगी, वो एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रॉन्स में, मटेरियल्स में। तो वहां पर क्या क्रिएट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, जिसकी वजह से ओवरऑल चार्ज यहां पर क्या आया, जीरो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम जो टॉपिक लेंगे वो क्या लेंगे, चार्ज और मास के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे कि चार्ज और मास के बीच में क्या क्या कंपैरिजन है, क्या क्या। आइए स्टडी करते हैं चार्ज और मास के बीच का क्या क्या डिफरेंस है। ओके, देखिए फर्स्ट डिफरेंस, जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन मास हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। ओके, किसी भी बॉडी का मास हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता ना ना ही वो जीरो हो सकता है। ओके, दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्शन भी हो सकती है। ओके, लेकिन टू मास हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के होंगे, यानी कि दो मास के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होगी। चार्ज के पास कौन सी प्रॉपर्टीज है, हमने अभी अभी पढ़ी क्वांटाइजेशन, यानी कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, लेकिन मास में ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी भी बॉडी का मास 5 केजी हो सकता है, 5.1 हो सकता है, 5.2 हो सकता है, इसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, नॉट क्वांटाइजेशन। चार्ज चार्ज कैरीड बाय अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ओके, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है, चार्ज कैरीड बाय बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ओके, लेकिन मास के केस में मास इंक्रीज विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन में 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में, यानी कि अगर वेलोसिटी अगर हम इंक्रीज करते हैं, अगर कोई बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं तो उसका मास भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। लेकिन ऐसा चार्जेस के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ओके, अगर किसी बॉडी पे चार्ज है, अगर हम उस बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रहे हैं, उस बॉडी पे चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा।
ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन चार्जेस एंड मास। हम एक डिफरेंस और भी लिख सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमेशा क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, लेकिन मासेस के केस में ऐसा नहीं रहता। वी कैन कन्वर्ट एनर्जी इनटू अ मास और मास इनटू अ एनर्जी। ओके, सो ऑल अबाउट दिस इज डिफरेंस बिटवीन चार्जेस एंड मास, आप नोट कर लीजिए। ओके, सो हमने देखा आज, आज हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज देखी, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि किसी बॉडी पे जो चार्ज रहता है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल रहता है। फिर हमने देखी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, किसी भी जो सिस्टम पे जो चार्ज है अगर हमें कैलकुलेट करना है टोटल चार्ज तो सिंपली उसको ऐड कर दीजिए। फिर देखिए हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि टोटल चार्ज ऑन एन सिस्टम इज ऑलवेज मेन कॉन्स्टेंट, वो चार्जेस चेंज नहीं होता, ना ही हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज दैट जो हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन चार्जेस एंड मास। ओके,